हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा स्लैब कास्टिंग के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती है, क्या क्या चीज़ है जो साइड इंजीनियर हमें चेक करनी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको मेरी साइट दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट जिस पर आज कास्टिंग चल रही है RCC की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कास्टिंग हो चुकी है, वाइब्रेटर यूज हो चुका है, इसको प्लेन कर दिया है सरफेस को। मास्टर केस रेनफोर्समेंट स्टील का ऑलमोस्ट वर्क हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। सारी साइड्स लग चुकी है, शटरिंग लग चुकी है। आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा ये मिक्सर लिफ्ट है, जिसके थ्रू हम मटेरियल को यहाँ से इस पे छत पे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, ये जो प्लेट्स लगी हुई है, प्लाई लगी हुई है शटरिंग की, ये चेक करते हैं हम। इसके अंदर हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि इस पे ऑयलिंग हो हुई है या नहीं हुई है, और इसका लेवल एक सेम लेवल है या नहीं है। ये सारी प्लेट्स एक ही लेवल में होनी चाहिए, जिससे कि हमारी छत एक लेवल में मिले हमको। देन उसके बाद टेप ज़रूरी है, जो आप देख रहे हैं ये टेप यूज़ की हुई है, ये हमारे बीच के गैप को फिल करने के लिए यूज़ किया करते हैं हम, ये चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कवर ब्लॉक्स। ये कवर ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, ये कवर ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। कवर ब्लॉक जनरली छत के लिए, स्लैब के लिए हम 20 mm कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं, बीम्स के लिए 20-25 mm यूज़ करते हैं, और कॉलम के लिए 45 mm यूज़ करते हैं। यहाँ पे कवर ब्लॉक्स सारे प्रॉपर लगे हुए हैं। देन हम चेक करते हैं हमारी बार्स, इसमें सारी बीम्स वगैरह हमें एज पर ड्राइंग हमको पूरा चेक करना होता है कि कितनी बार दी है, जितनी बार दी है डायमेंशन बीम की, एंड एवरीथिंग जो हमें डिटेल में दे रखी है वो हमें चेक करनी होती है। उसके बाद में हमको ओके करना होता है कि कास्टिंग कर सकते हैं ओके। देन हम चेक करते हैं हमारी क्रैंक्स, क्रैंक्स चेक करते हैं, चेयर्स चेक करते हैं, चेयर्स लगी है या नहीं लगी है। आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ चेयर किसे बोलते हैं, दिस इज चेयर। एंड एक और चीज़ जो कि हमें ध्यान रखनी होती है, अगर कोई कॉलम है, जो कॉलम है हमारे छत पे जिसको कंटिन्यू करना है ऊपर तक, तो उसको ओवरलैप करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ओवरलैपिंग की हुई है इसकी, तो ये ओवरलैपिंग कास्टिंग से पहले ज़रूरी होती है, बाद में ओवरलैपिंग नहीं कर पाते प्रॉपरली। और एक इसकी रिंग बांधना ज़रूरी होती है ऊपर, जैसे कि आप कॉलम्स में देख सकते हैं, सभी कॉलम्स में ओवरलैप करके रिंग्स बांध रखी है ऊपर, ताकि ये सरिया जो इसकी बार्स है वो प्रॉपर एक जगह पे रहे। ठीक है, जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो इसको आप सरफेस पे आप ऑयली सरफेस देख सकते हैं। ये ऑयली सरफेस केमिकल है, वाटरप्रूफिंग केमिकल इसमें यूज़ किया है। कुछ लोग प्लास्टिसाइजर भी यूज़ करते हैं कंक्रीट में, स्टेबिलिटी बढ़ा देता है और काफ़ी यूज़फुल होता है इसके लिए भी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की होती है, ओवरलैपिंग लेंथ हो गई, क्रैंक लेंथ हो गई, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी होती है। एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, संक पोर्शन जो होता है हमारा, संक पोर्शन की जो कास्टिंग है, जैसे हमने यहाँ पे 12 इंचेस का संक प्रोवाइड करवाया, एज यू कैन सी इसमें 6 इंचेस की कास्टिंग हो चुकी है। अभी 6 इंचेस की कास्टिंग के बाद में इस पर के साइड्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, साइड्स लगाते हैं, जैसे कि ये साइड्स लगा रहे हैं अभी। पहले कभी साइड्स नहीं लगाते, पहले साइड लगाने पे ये प्रॉपरली हमें कास्ट प्रॉपर कर नहीं पाते ढंग से, इसलिए हम उसको पहले 6 इंच कास्ट करके उसके बाद में हम इसके साइड्स लगाते हैं। साइड्स में भी ये होता है कि हमें ध्यान रखने की बात है कि साइड्स को प्रॉपरली इसको प्रॉपर बांधना ज़रूरी है, नहीं तो ये वाइब्रेटर जैसे ही चलेगा ये फैल जाएगी, और जो एक सरफेस है, जो एक कॉर्नर से जो फूल फैल जाएगा हमको, जैसे कि यहाँ पे कई लोकल लैंग्वेज में कि बीम फूल गई ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इसकी विड्थ बढ़ जाती है, ये अनसिमेट्रिक हो जाती है।
और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जॉइंट्स जो आ रहे हैं, जॉइंट जो भी आ रहे हैं उनके अंदर गैप नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर से वाटर और मोर्टार निकलना नहीं चाहिए। अगर मोर्टार और वाटर निकल गया तो जो स्ट्रक्चर है उसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमें कंक्रीट दिखेगा, खड्डे खड्डे दिखेंगे उसके अंदर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शटरिंग ज़्यादातर प्लाई की यूज़ करते हैं, प्लाई की शटरिंग के अंदर हमें सरफेस जो है नीचे की बिल्कुल स्मूथ खुलती है, जिस पर हमको छत का प्लास्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बेनिफिट है प्लाई की शटरिंग का। तो मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, और भी बहुत कुछ होता है साइट पे, जैसे कि डिटेल में मैं आपको वन बाय वन मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये ओवरऑल मैंने एक बार आपको आइडिया दिया है कि साइट्स पे जाके हमें क्या चेक करना होता है। प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।